90s के दौर पे सनी देओल और रवीना टंडन की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती थी। आप लोग भी जानते हैं कि सनी देओल और रवीना टंडन ने कई फिल्मों में काम किया है और इन दोनों को देखने के लिए फैंस आज भी एक्साइटेड रहते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, इस समय काफ़ी चर्चाओं में हैं। आप लोगों को बता दें, सनी देओल और रवीना टंडन की बात की जाए तो इस समय फ़िलहाल रवीना टंडन भी जो कि एक फ़िल्म में नज़र आने वाली हैं। फ़िल्म का टाइटल है बाप दी आल हीरोज़, जिस फिल्म में रवीना टंडन और सनी देओल, संजय दत्त और भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं, जिनका अंदाज लोग देखने के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं कि सुपरस्टार सनी पाजी और रवीना टंडन एक दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं और इन दोनों की जोड़ी आज भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन आप लोगों को बता दें, हाल ही में ही रवीना टंडन ने इंटरव्यू के दौरान कई सारी बातें सनी देओल को लेकर कहीं, जो आप सभी लोगों ने भी शुरुआत में देखी। आप लोगों को बता दें, रवीना टंडन ने सनी देओल की जमकर तारीफ की और पुरानी कुछ जो कि बातें भी शेयर की जो आप लोगों ने शुरुआत में देखी। आप लोगों को बता दें, इस समय फिलहाल काफ़ी चर्चाओं में हैं रवीना टंडन। दोस्तों आप लोगों को बता दें, सनी देओल की वो साथ में फिल्म लेकर आ रही हैं। फिल्म का टाइटल है बाप दी आल हीरोज़, जिसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और कॉमेडी के तौर पर जॉनी लीवर को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को बता दें, फिलहाल रवीना टंडन उन्हीं सब फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं और बड़े साल बाद जो कि हमें रवीना टंडन और सनी देओल की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलने वाली है।